नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिल्मी गानों के माध्यम से भारतेंदु युग, द्विदी युग और छायावाद युग के बारे में कि इन युगों में ऐसा क्या क्या परिवर्तन हुआ। भारतेंदु युग, द्विदी युग, छायावाद युग मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परंतु बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है इनमें ऐसा क्या हुआ था जो इनका निर्माण हुआ। आखिर इस काल के कवियों की, लेखकों की क्या मनोस्थिति थी जो उन्होंने कलम चलाई। तो आज हम फिल्मी गानों के माध्यम से इनके बारे में जानेंगे। भारतेंदु युग, द्विदी युग, छायावाद युग जो युग है ये आधुनिक काल का युग है। ये तीनों युग काल से संबंधित है, आधुनिक काल के युग से संबंधित है। जो भारतेंदु युग चला ये कब से कब तक चला? 1850 से 1900 तक चला। द्विदी युग कब से कब तक चला? 1900 से 1920 तक चला। छायावाद कब से कब तक चला? 1920 से 1936 तक चला। ठीक है, तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विदी और छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो हम इनको समझेंगे फिल्मी गानों के माध्यम से। अगर आपके प्रश्न पत्र में इनसे संबंधित प्रश्न आता है तो आपको अपनी उत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार ही लिखना है आपको। ये तो मैं समझाने के लिए आपके लिए आया हूं ताकि आप भविष्य में कंफ्यूज ना हो, चक्कर में ना पड़े। ठीक है, ये जो युग थे ये भारतेंदु युग और द्विदी युग जो था ये अंग्रेजों को भगाने का युग था। यानी कि देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति, भाषा, धर्म आदि पर प्रहार किया था, चोट की थी। तो देश के नवयुवक और नवयुवतियों को जगाने के लिए भारतेंदु युग और द्विदी युग में काव्य रचनाएं लिखी गई। द्विदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था, काय के लिए? ताकि देश के नवयुवक और नवयुवतियां जग जाएं। देश के नवयुवकों और नवयुवतियों से पूछा जाता था उस काल में कि आपके देश का नाम क्या है, तो कहते थे ब्रिटिश इंडिया। वो लोग यही बोल गए थे कि हमारे देश का नाम भारत था। ठीक है, तो देखते हैं भारतेंदु युग के काव्यों की विशेषता। इनके ऊपर मैं आपको कई सारे वीडियो बना चुका हूं पहले भी, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाता हूं गानों के माध्यम से ट्रिक, ताकि आपको समझ में आ जाए परिस्थितियां उस काल की। सबसे पहला है राष्ट्रभक्ति की भावना। इस काल की कवि यानी कि भारतेंदु युग की कविताओं में हमें राष्ट्रभक्ति की भावना देखने को मिलती है। एकांकियों में, नाटकों में, कविताओं में अधिक से अधिक राष्ट्रभक्ति की भावना देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं फिल्मी गाने के माध्यम से। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जानी मन, जानी मन, जानी मन। मैं यहाँ पर सिर्फ फिल्मी गानों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, काव्य से मतलब नहीं है। जो प्राचीन काल में काव्य लिखे गए थे वो काव्य मैं आपके लिए पहले बना चुका हूँ, आज हम देखेंगे फिल्मी गानों के माध्यम से। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ये बात। फिर अगला गाना देखेंगे जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना दिखती है हमें, ये दिल जले पिक्चर का है। ये आप इसको सुनोगे सुनोगे तो और आपको अच्छा भारतेंदु युग समझ में आएगा। अगला है भगत सिंह फिल्म से। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं नवयुवकों से, नवयुवतियों से क्या बोल रहे हैं इस काल के कवि के? देश को आपकी जरूरत है, यानी कि इस देश के धर्म को, इस देश के तीज को, त्योहार को, संस्कृति को आपकी जरूरत है। तो देश आपको पुकार रहा है और आपसे क्या मांग रहा है? कुर्बानी मांग रहा है। तो इस काल की कविताओं में भावना देखने को मिलती है। फिर हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है। इस काल के कवियों ने हिंदी को अग्रिम स्थान पर रखा है। तो देखते हैं हम एक गाना, अपना घर फिल्म का गाना है ये। हिंदी है हम बस
तन है इन दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। तो ये देखिए इसमें बताया गया है कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, यानी कि हिंदी ने ही इस देश के लोगों को आजादी दिलाई है, तो हमें हिंदुस्तान की और हिंदी की कदर करनी चाहिए। अगला है अंधविश्वास का विरोध। इस काल की कविताओं में अंधविश्वास का विरोध देखने को मिलता है, तो आइए हम लगान फिल्म के गाने से जानते हैं। टूट गई जो उंगली मुट्ठी, पांच उंगली दो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, हर राह नहीं एक आवे, चले चलो चले चलो। यानी कि वो बोल रहे हैं कि चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, इन चारों पांचों को क्या होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, तभी क्या बनती है, मुट्ठी बनती है। इन अंग्रेजों ने देश में जो अंधविश्वास फैला हुआ है इसका ही तो क्या उठाया है, फायदा उठाया है, तो आज जरूरत है एक होने की। क्या जरूरत है, एक होने की जरूरत है। तो सब लोग उंगली मिलाओ और उंगली से मुट्ठी बनाओ और हम सब एक हो जाए और अंग्रेजों पर टूट पड़े ताकि हमारे देश की रक्षा हो जाए। इसमें कहीं कहीं हमें हास्य व्यंग भी देखने को मिलता है, तो देखते हैं हम क्रांति फिल्म का एक गाना जिसमें हास्य व्यंग है। तुम तरम तरम दुनिया के हैं लाख धर्म, चना जोर गरम चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा, चना जोर गरम। क्रांति फिल्म भी मनोज कुमार की फिल्म है, यानी कि इसमें भी हास्य व्यंग कसा गया है अंग्रेजों के ऊपर। इस गाने को जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपको भारत दुर्दशा नाटक याद आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिसमें चूरण वाले का किरदार है। वो भी ऐसे ही कहता है, मेरा चूरण जो कोई खाता सारा हिंद हजम कर जाता। यानी कि इस प्रकार के हास्य व्यंग कसे गए कविताओं में, नाटकों में, एकांकियों में, उपन्यासों में। कौन से युग में, भारतेंदु युग में। तो इन गानों के माध्यम से आपको भारतेंदु युग समझ में आ जाएगा। अगला आता है द्वेदी युग। द्वेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी जी ने कौन सा कार्य किया है, जो भारतेंदु हरिचंद्र जी ने बीच में छोड़ दिया था उसको आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी ने बढ़ाया है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। सरस्वती पत्रिका को हम कवियों की नर्सरी भी कह सकते हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में नाम बदल बदल कर महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से, कटक से, अटक से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से नाम बदल बदल कर काव्य रचना की, एकांकियों की रचना की, ताकि देश के लोग बाग जग जाएं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रभक्ति की भावना है तो इसमें देशभक्ति की भावना है, दोनों एक ही है। तो हम देखते हैं इसमें एक गाना, रोजा फिल्म का गाना है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जागे कहीं धुन एक है, भाषा का ये सुर एक है, कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, जागो भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। इसमें भी वो ही बात कही गई है जो भारतेंदु युग में कही गई थी। अगला गाना हम देखते हैं, पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना है, मनोज कुमार की फिल्म है ये। ए प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ,
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओहो हो हो। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि हमारे देश की इज्जत ही सर्वोपरि है, हमारे देश का मान सम्मान ही सर्वोपरि है। आज के लड़के लड़कियां भी देश प्रेम की भावना को भूल चुके हैं। इन गानों को सुनकर क्या सोचते हैं, 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गए, परंतु इन गानों के माध्यम से, मतलब जो गाने हैं इस युग के काव्य के माध्यम से, हमें क्या मिली है, आजादी मिली है। क्या मिली है, आजादी। अगला हम देखते हैं देशभक्ति की भावना। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये कर्मा फिल्म का गाना है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं बिंदु, प्राकृतिक चित्रण। दोस्तों इस काल की कविताओं में हमें कहीं कहीं पर प्राकृतिक चित्रण भी देखने को मिलता है, यानी कि प्रकृति के माध्यम से इन्होंने देश के नवयुवकों व नवयुवतियों को जगाने की कोशिश की है कि प्रकृति उठ गई है, प्रकृति भी सुबह सुबह उठती है, तो इस देश में सुबह कब होगा, कब होगी, जब आप लोग उठोगे, स्वयं अपने देश को जानोगे। इसमें बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने प्रकृति पर कलम चलाई है, परंतु प्रकृति के माध्यम से देश प्रेम की भावना को हृदय में भरा है इन्होंने। जैसे कि गाना देखते हैं भगत सिंह फिल्म का। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे बसंती चोला। यानी कि बोल रहे हैं कि पूरी धरती पर बसंती चोला ओढ़ लिया, पूरी धरती पर बसंती चोला आ गया है, चढ़ गया है, तो माँ आज मुझे भी इस पीले बसंती चोले से, भगवा रंग से मुझे रंग दे, ताकि मैं देश के लिए क्या हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। फिर अगला है फना फिल्म का गाना है ये है। यहां हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नरी सुनहरी हरा समंदर है, ये सजीला देश रंगीला, रंगीला देश मेरा रंगीला। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं मौसम के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से बता रहे हैं कि देश रंगीला है, देश में 3 ऋतुएं हैं, देश रंग बदलता है, तो ऐसे देश का सम्मान करो, ऐसे देश का उद्धार करो, आपके हाथों द्वारा इन अंग्रेजों को मार भगाइए। देखिए सन यहां पर अगला है यहां पर मानव प्रेम। द्वैती युगीन कविताओं में कहीं कहीं पर मानव प्रेम भी हमें देखने को मिलता है, तो देश प्रेम फिल्म का एक गाना है जो हम देखते हैं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। यानी कि उन्होंने कहा है कि मानव प्रेम ही सर्वोपरि है। अभी हम क्या देश में छिन्न भिन्न हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, वर्गों में बटे हुए हैं, परंतु अब हमें एक होने की आवश्यकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ इस काल में काव्य अलग लिखे गए हैं, मैं सिर्फ आपको गानों के माध्यम से समझा रहा हूँ, मेरी आवाज पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न पुस्तिका में इस प्रकार के उत्तर कभी मत लिखकर आइएगा, ये समझाने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पचड़े में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे काव्य लिखे गए होंगे, तो गानों के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा। ये अगला है दोस्तों छायावाद युग। कौन सा युग है, छायावाद युग, जो 1920 से 1936 तक चला। इसमें 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक, सुमिता नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्होंने प्रकृति के माध्यम से स्तुति की, इसमें देश प्रेम की भावना नहीं देखने को मिलती हमें, इसमें हृदय की भावना देखने को मिलती है। क्या, अपने हृदय गत की भावनाएं कवियों ने यहाँ पर उठाई है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने स्त्री को प्रेम, स्त्री को प्रकृति और प्रकृति को स्त्री माना है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि होता है वो क्या करता है, अपने ही दुख और सुख को कविताओं में व्यक्त करता है। तो हम देखते हैं पहला व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद जो युग की कविताएं हैं इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता में देखने को मिलती है। इसमें जो कवि को यदि अपनी प्रेमिका से सुख मिलता है तो उसे पूरी प्रकृति हरी भरी नजर आती है, अगर उसे प्रेमिका से दुख मिलता है तो पूरी प्रकृति उसे बंजर नजर आती है। आपको भी कभी प्रेम हुआ होगा तो जब आपका प्रेमी आपके पास होता है तो आपको बहुत खुशनुमा माहौल लगता है, लेकिन जब वो आपसे दूर चला जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जोश फिल्म का एक गाना जिसके माध्यम से आपको छायावाद समझ में आएगा। तेरी याद में पागल पल पल रोता है, बिन तेरे ना जागे ये ना सोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे है, ना जोर दिल पे चले, हारे 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 हम तो दिल से हारे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेमी और प्रेमिका मिलन नहीं हो पा रहा है, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन नहीं हो पा रहा है तो उसके दिल से क्या निकल रही है, आह निकल रही है। क्या निकल रही है, आह। फिर है अगला गाना है ये कौन सा, 1942 लव स्टोरी फिल्म का गाना है जिसमें अनिल कपूर और मनीषा कोइराला है। इसमें हम देखते हैं, बसता है जल तरंग प्रेम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे, हो बादल की चादरें ओढ़े हैं वादियां सारी दिशाएं सोई हैं, सपनों के गांव में भीगी सी छांव में दो आत्माएं खोई हैं। यानी कि यहाँ पर तो क्या हो रहा था, विचलन हो रही थी और यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलन। तो आपको ध्यान में आया होगा छायावाद में जो कवि है वो अपने हृदय की भावनाओं को ही कविताओं में व्यक्त करता है। जब आप एक छायावाद की कविताओं को पढ़ोगे समझोगे तब आपको समझ में आएगा, इन गानों के माध्यम से भी आपको समझ में आएगा, या फिर आपको जब प्यार होगा तब आपको छायावाद समझ में आएगा। फिर है प्रकृति का मानवीकरण। इस काल में पूरी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया था, प्रकृति को स्त्री और स्त्री को प्रकृति के रूप में ढाल दिया गया। यहाँ पर प्रकृति को हंसता हुआ, चलता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ बताया गया है। तो हम देखते हैं, गीत गाएं नदियां लहरों में है सरगम, ए घटा दीवानी बूंदों में है सरगम, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली। तो यानी कि ये अनाड़ी फिल्म का गाना है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि गीत गाएं नदियां, जबकि नदियां कोई गीत गाती हैं क्या, नहीं गाती हैं। लहरों में है सरगम, लहरों में कोई सरगम होती है क्या, छन 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 नहीं होती है, परंतु यहाँ पर क्या है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो ऐसे कई सारे गाने जिसमें प्रकृति का मानवीकरण आपको देखने को मिलेगा, उनको सुनना चुनना और मुझे कमेंट्स में लिखना अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो। फिर है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, यानी कि अज्ञात सत्ता, यानी कि उन्होंने स्त्री को प्रकृति और प्रकृति को स्त्री माना, हृदयगत की भावनाओं को छायावाद में डाला, तो एक अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम हो गया। यानी कि स्त्री भी क्या है, ऊपर से बनाई हुई रब की एक नगीना है, यानी कि ऊपर से बनाया गया एक रब का नगीना है जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, चाहे माता के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो। तो स्त्री को क्या माना गया, यहाँ पर देवी माना गया, और ईश्वर भी प्रेम का ही भूखा होता है और स्त्री भी प्रेम की ही भूखी होती है। तो अज्ञात सत्ता के प्रति देखते हैं हमें गाना, संग्राम फिल्म का ये गाना है, ठीक है। तो इसमें देखो, उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियां से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, मैं साथ इनके सुबह शाम। यानी कि एक अज्ञात सत्ता है यहाँ पर, यानी कि वो बोल रहे हैं कि मेरा, मुझे अपना नाम नहीं पता कि मैं कौन हूँ,
कहां से आई हूं। तो इन हवाओं से पूछो, इन घटाओं से पूछो, इनको पता है मेरा नाम। तो इस काल की कविताओं में क्या हुआ, स्त्री को प्रकृति और प्रकृति को स्त्री मानकर एक अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम उजागर हुआ है। फिर है नारी के प्रति प्रेम की भावना, इस काल में नारी के प्रति प्रेम की भावना देखने को मिलती है। जैसे कि गाना है फिजा फिल्म का, तो क्या है वो, तू हवा है फिजा है जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ, मैं हवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊँ तो मैं रहती नहीं, मैंने तिनके उठाए हुए हैं परों पर आशियाना नहीं है मेरा। इस गाने को सुनकर आपको जयशंकर प्रसाद जी की कविता याद आई होगी जो श्रद्धा के ऊपर है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ठीक है वो वाली। फिर एक गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे पानी में राग जैसे, यानी कि यहाँ पर क्या है, नारी के प्रति प्रेम, यानी कि अधिक से अधिक कविता नारी के हृदय को पहचानने के लिए, नारी के प्रेम को पहचानने के लिए लिखी गई। अगला है मस्त फिल्म का, आसमां कहता है रब से तूने चांद दो क्यों बनाए, एक में रखा है दाग दूसरा है साफ साफ सबकी नजर उस पे जाए, हाँ वही तो है मेरी है वही तो। तो मेरे दोस्तों, आपको भारतेंदु युगीन, द्वैती युगीन और छायावादी युगीन काव्य में घटनाक्रम समझ में आया होगा कि इस काल के कवियों की क्या क्या मनोस्थिति रही होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे रहस्यवाद, उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद गानों के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।